क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार सिटीजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं BSc के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इसमें आज हम आप सभी के लिए BSc थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स। जैसा कि लास्ट टाइम पर हम यूनिट 7 डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें कि हमारी लेक्चर 24 है। इससे पहले की 23 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात की थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की थी। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, जिसमें कुल 3 लैंग्वेजेस के बारे में हमने जाना था, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जिसमें कि हमने लो लेवल लैंग्वेज को डीपली डिस्कस कर लिया था। आज हम मिडिल लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है मिडिल लेवल लैंग्वेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज टॉपिक नोट कर लीजिए आप सभी। तो क्या है कंप्यूटर की मिडिल लेवल लैंग्वेज? मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज, यानी कि इसे हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। आप सभी नोट डाउन करते चलिए, इसे हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हम रिटन करते हैं, लिखते हैं, जो भी असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे ट्रांसलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? असेंबलर का। किसमें ट्रांसलेट किया जाता है? इनटू अ मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है, उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस वेयर डेवलप्ड इन 1950, यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज जो थी, उनका विकास कब हुआ, उनका डेवलपमेंट कब हुआ? 1950 में। चलिए बात करते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। क्या क्या है, क्या क्या एडवांटेज है मिडिल लेवल लैंग्वेज के? इट इज रिलेटिवली ईजी टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस, जो भी इनपुट हम होते हैं, जो इनपुट हम लिखते हैं, जो भी राइट करते हैं हम, वो लिखना क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में ईजी होता है, यानी कि सरल होता है लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में मिडिल लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखना। सेकेंड क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज इज मोर रिलायबल, यानी कि जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, वह अधिक विश्वसनीय होती है किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। थर्ड क्या है, फाइंडिंग एरर्स इज रिलेटिवली इजी, यानी कि इसमें जो एरर्स होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें पता करना, उनका उनकी पहचान करना क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी होता है। ये हो गया मिडिल लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज। बात करनी है हमें मिडिल लेवल लैंग्वेज के डिसएडवांटेज के बारे में, तो चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। क्या क्या डिसएडवांटेज है मिडिल लेवल लैंग्वेज के? डिसएडवांटेज में फर्स्ट है, इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, यानी कि यह मशीन पर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को समझाया था, लो लेवल लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे थे, कि उसमें जो रिटेन हम कोई भी प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं, जो भी लिखते हैं इंस्ट्रक्शन, वो किसी अदर मशीन में हम यूज नहीं कर सकते। किसी एक मशीन के लिए यदि हमने लिखा है, तो वो हम उस निर्देशों को, उन इंस्ट्रक्शंस को हम किसी अदर मशीन में यूज नहीं कर सकते। तो यही इसका मतलब है कि इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम राइट करते हैं, वो एक मशीन के लिए जो हम राइट करते हैं, वो किसी अदर मशीन में यूज नहीं कर सकते। सेकंड क्या, इट इज रिक्वायर एन असेंबलर टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि यह एक असेंबलर रिक्वायर करता है, क्या जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसे एक असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि मशीन के समझने योग्य बनाने के लिए, इसमें इसे प्रोग्राम को मशीन के समझने योग्य बनाने के लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज में एक असेंबलर की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड क्या है, प्रोग्राम रिटन इन मिडिल लेवल लैंग्वेज इज स्लोअर टू एग्जीक्यूट, यानी कि जो प्रोग्राम मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, वो एग्जीक्यूट करने में थोड़ा समय लेते हैं, मतलब वो धीमी गति से एग्जीक्यूट होते हैं, उन पर जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, वो थोड़ी धीमी गति से करता है, किस पर, मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस पर। तो बात करते हैं, चलिए ये हो गई हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसके बाद हमें हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करनी है, तो चलिए आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज बीइंग वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है,
वह ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर होती है, यानी कि उसी की तरह होती है, आर इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में इजी होती है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए। कोबोल बेसिक एंड जावा आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये जो कोबोल बेसिक एंड जावा है ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के एक पार्ट है। मतलब इस तरीके से इन्होंने एक सिस्टम दिया है हाई लेवल लैंग्वेजेस को लिखने का, कोबोल बेसिक एंड जावा। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल बाय यूजिंग अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्या है मतलब इसका, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं उन्हें मशीन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि मशीन के समझने योग्य कन्वर्ट करने के लिए कंप्लायर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस वेयर डेवलप्ड इन लेटर पार्ट ऑफ 1960, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कब डेवलप हुई, हाई लेवल लैंग्वेजेस 1960 के लास्ट पार्ट में डेवलप हुई थी। तो चलिए बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में जानेंगे। एडवांटेज क्या क्या हाई लेवल लैंग्वेज के, इसमें फर्स्ट है प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजियर, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना आसान होता है बाकी लो लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। इट इज़ ईजी अंडरस्टैंडेबल, यानी कि यह समझने में बहुत ही आसान होता है। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि किसी एक मशीन के लिए लिखा हुआ प्रोग्राम हम किसी अदर मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है, नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मशीन, यानी कि यह मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, यानी कि इसके लिए कंप्लायर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है ट्रांसलेशन के लिए। इट इज़ स्लोअर टू एग्जीक्यूट, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि यह धीमी गति से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो ये हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। आज हमने हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज दोनों के बारे में जाना, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।